धान का गंदीबग कीट धान की बारियों में फूल निकलने से पहले तथा बालियों में दाने बनने तक इनका रस चूसते रहते हैं। रस चूसने की वजह से बालियों में दाने नहीं बनते तथा बालियों में जहां पर से ये कीट रस चूसते हैं वहां पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। जिस खेत में इस कीट का अटैक ज्यादा होता है उस खेत में से बगी स्मेल आती है यानी गंध आती है। इसी वजह से इस कीट का नाम धान का गंदीबग कीट है। ये गंदीबग कीट का निम्फ है जो वयस्क की तरह ही दिखाई देते हैं लेकिन इनमें पंखों का विकास नहीं हुआ होता है। दिखने में ये कीट लंबे पतले होते हैं और इनका एंटीना बहुत ज्यादा लंबा होता है। ये वयस्क गंदीबग कीट है जिनमें पंखों का विकास हो गया है। अब ये उड़ सकते हैं। इस कीट से बहुत ही गंध आती है इसलिए इस कीट का नाम गंदीबग है। ये गंदीबग के अंडे हैं जो लाल भूरे रंग के होते हैं। मादा कीट पूरे जीवन काल में 250 से 300 अंडे देती है और एक बार में ये 10 से 20 अंडे देती है। आइए अब जानते हैं कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। खेत के आसपास जो डोल होती है जिसको मेड़ भी बोलते हैं उसमें जो घास होती है उसको आप हटाते रहें। आप अपने खेत में लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने खेत की लगातार निगरानी करते रहनी चाहिए। जैसे ही खेत में 100 बालियों पर 5 गंदीबग कीट दिखाई दें तो इस समय आपको कीटनाशक का इस्तेमाल अपने खेत में करना चाहिए। अगर संख्या इससे कम होती है तब आपको कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती। कीटनाशक जैसे क्विनोलफॉस मिथाइल पैराथियोन KKM का 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको डस्टिंग करनी होती है। आप मेलाथियन नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। मेलाथियन का स्प्रे आपको 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से करना होता है और नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का 25 kg पर हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना होता है। तो किसान भाई इस तरीके से आप इस कीट की अपने खेत में रोकथाम कर सकते हैं।